दोस्तों, आखिरकार लंबे इंतजार के बाद टेस्ला भारत में अपनी मॉडल 3 ईवी कार लॉन्च करने जा रही है। अमेरिकी कार निर्माता कंपनी टेस्ला भारत में अपनी मॉडल 3 ईवी कार की बुकिंग जनवरी से शुरू करने जा रही है। टेस्ला के अनुसार इस कार को जून 2021 में भारत में लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। यहां हम आपको बता दें कि भारत में टेस्ला के आने के बाद ईवी कार के सेगमेंट में जबरदस्त क्रांति आएगी, क्योंकि भारतीय कंपनीज टाटा और महिंद्रा ने भी अपनी ईवी कार्स लॉन्च की हैं, जिससे इन कार कंपनीज के बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा से लोगों को बेहतरीन ईवी कार के ऑप्शंस उपलब्ध होंगे। अमेरिकी कार निर्माता कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने पहली बार भारतीय कार बाजार में प्रवेश करने की घोषणा 2016 में की थी, जिसके बाद कंपनी ने भारत में अपनी कारों की बुकिंग भी शुरू कर दी थी। टेस्ला की मॉडल एस और मॉडल एक्स कार की ग्लोबल मार्केट में पिछले दिनों जबरदस्त बिक्री हुई है। इसके साथ ही टेस्ला की एंट्री लेवल कार मॉडल 3 की बिक्री के आंकड़े भी बेहतर रहे हैं। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टेस्ला अपनी मॉडल 3 कार की लॉन्चिंग के साथ भारत में अपनी कारों के उत्पादन के लिए प्लांट लगाने की घोषणा भी कर सकती है। इसके लिए टेस्ला की महाराष्ट्र और केरल राज्य सरकार से बातें भी चल रही हैं। टेस्ला के इस फैसले से भारत में ईवी कार्स के निर्माण में तेजी आएगी। इसके साथ ही सरकार की ईवी वाहनों को बढ़ावा देने की योजना को भी सफलता मिलेगी। भारत में लॉन्च होने वाली टेस्ला की मॉडल 3 एंट्री लेवल कार है, जो कि अमेरिका में 4 वेरिएंट्स में उपलब्ध है। ये हैं स्टैंडर्ड रेंज प्लस, लॉन्ग रेंज एंड लॉन्ग रेंज परफॉर्मेंस। कंपनी ने इन कारों में 50 किलोवाट से 75 किलोवाट तक की बैटरी दी है, जो अधिकतम 381 किलोमीटर से 580 किलोमीटर तक चल सकती है। वहीं टेस्ला की मॉडल 3 की शुरुआती कीमत भारत के हिसाब से लगभग 55 लाख रुपए होगी। टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार के बाद अब बात करते हैं भारत में ही निर्मित इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के बारे में। इस समय जब ऑटोमोबाइल उद्योग का विद्युतीकरण भारतीय बाजार में थोड़ा धीमा है, विशेष रूप से यूरोप और अमेरिका की तुलना में, उस दिशा में प्रगति लगातार हो रही है। इस समय जब हम अभी भी कुछ पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लॉन्च का इंतजार कर रहे हैं, वहीं सोनालिका ने आगे बढ़कर भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर टाइगर इलेक्ट्रिक को पेश किया है। सोनालिका टाइगर इलेक्ट्रिक को उसी ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है जो उसके रेगुलर ट्रैक्टर में मिलते हैं। टाइगर इलेक्ट्रिक के पावर स्ट्रेन में IP65 प्रोटेक्शन के साथ 25.5 किलोवाट नेचुरल कूलिंग कॉम्पैक्ट बैटरी शामिल है। बैटरी को रेगुलर होम सॉकेट से 10 घंटे में और फास्ट चार्जर का उपयोग करके केवल 4 घंटे में चार्ज किया जा सकता है, जो फ्यूल पंप्स के चक्कर लगाने की आवश्यकता को समाप्त करता है। जर्मनी में तैयार किए गए ई-ट्रैक इलेक्ट्रिक मोटर में 0 RPM पर भी हाई पीक टॉर्क प्रदान करने में सक्षम है, जो इसे फील्ड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त बनाता है। कंपनी का दावा है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की रनिंग कॉस्ट एक डीजल ट्रैक्टर को चलाने की लागत से 1/4 है। कंपनी का दावा है कि इसमें 24.93 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड मिलती है और 2 टन ट्रॉली का संचालन करते समय एक फुल बैटरी चार्ज 8 घंटे तक चल सकती है। सोनालिका ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री रमन मित्तल के अनुसार, जैसे जैसे दुनिया पर्यावरण के अनुकूल पहलुओं की तरफ बढ़ रही है, सेगमेंट भर के इलेक्ट्रिक वाहनों को उत्सुकता से उन वाहनों के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है जो ईंधन पर चलते हैं। निर्माताओं का ये भी कहना है कि ये वैश्विक बाजारों से भारत में लेटेस्ट इनोवेशन को लाने, कृषि उत्पादकता और लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए तकनीकी विकास प्रदान करना चाहता है। टाइगर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को पंजाब के होशियारपुर प्लांट में तैयार किया जाएगा, जो इसे एक सच्चा मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बनाता है।
सोनालिका टाइगर इलेक्ट्रिक की बुकिंग देश भर में ओपन हो चुकी है। इसे 6 लाख की काफी अफोर्डेबल प्राइस के साथ उतारा गया है, जो रनिंग कॉस्ट को भी कम करेगा। नया ई ट्रैक्टर निश्चित रूप से एक अत्यंत व्यवहारिक विकल्प की तरह प्रतीत होता है, जो पर्यावरण के लिए भी बेहतर साबित होगा। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।